कल हमने पढ़ा था कक्षा चार का पाठ दो, मामा जी ने दिखाया मेला। आज हम पढ़ते हैं उस पाठ के शब्दार्थ। पहला शब्द है रोमांच भरा। रोमांच भरा का अर्थ होता है पुलकित कर देने वाला। अगला शब्द जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, यानी कुछ न कुछ जानने की इच्छा रखने वाला। अगला शब्द खलनायक। खलनायक का अर्थ है यहाँ पर बुरा व्यक्ति। अगला शब्द ठिगना। ठिगना का अर्थ होता है छोटा। अगला शब्द बंजर। बंजर का अर्थ है जिस पर कुछ न उगे। अगला शब्द रौद्र। रौद्र का अर्थ है क्रोध भरा या क्रोधित। अगला शब्द समर्थन। समर्थन का अर्थ है सहमति या बात मनाना। अगला शब्द है बेशुमार। बेशुमार का अर्थ है बहुत अधिक। अगला शब्द उम्मीद। उम्मीद का अर्थ है आशा। अंतिम शब्द है खिन्न। खिन्न का अर्थ है दुखी। ये तो हो गए इस पाठ के शब्दार्थ। आगे वाला प्रश्न है विलोम शब्द, यानी विलोम शब्द का अर्थ होता है वह शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करते हो, यानी किसी शब्द का उल्टा अर्थ देना ही विलोम शब्द कहलाता है। देखते हैं यहाँ पर पहला शब्द है अच्छा। अच्छा का उल्टा क्या होगा? बुरा। अगला शब्द जवाब। जवाब का विलोम सवाल। अगला शब्द भूख। भूख का विलोम है प्यास। अगला शब्द नजदीक। नजदीक का उल्टा होगा दूर। अगला शब्द गांव। गांव का उल्टा होगा शहर। अगला शब्द उदास। उदास का उल्टा होगा खुश। ये हो गए अपने विलोम शब्द। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यानी यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, उसके दो या तीन विकल्प दे रखे हैं, आपको उसमें से जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, पहला है दुकानदार ने सारे खिलौनों के कितने रुपए बताए। यानी जब मामा जी मेले में गए, दुकानदार ने बच्चों ने खिलौने खरीदे तो दुकानदार ने कितने रुपए बताए थे? अ है 130 रुपए, ब 125 रुपए और स है 80 रुपए। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अ, कितने रुपए बताए थे दुकानदार ने? 130 रुपए। तो अपन क्या करेंगे, 130 रुपए के आगे सही का निशान बनाएंगे। ये हो गया प्रश्न का उत्तर पहले का। अब लेते हैं दूसरा। मेला कहाँ लगा था? मेला कहाँ लगा था? अ मैदान में, ब गांव में, स शहर में। कहाँ लगा था मेला? मेला कहाँ लगा था? गांव में। तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर ब, दूसरे नंबर वाला, गांव में मेला लगा था। तो अपन ने ब गांव में पे सही निशान लगा दिया। अगला है बच्चे मेला देखने किसके साथ गए? इसमें विकल्प है अ पिताजी के साथ, ब मामा जी के साथ और स है चाचा जी के साथ। किसके साथ गए थे भाई? मामा जी के साथ गए थे ना, तो यहाँ ब ब वाला विकल्प सही है। ये अपन ने ब पे सही निशान लगा। हो गया ये प्रश्न पूरा। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यानी यहाँ पर ये शब्द दे रखे हैं, जैसे जिज्ञासा, रौद्र, पेट और खलनायक। इन प्रश्नों के अंदर आपको ये खाली जगह जो दी गई है, इसके अंदर इसमें से कौन सा सही विकल्प आएगा वो आपको इसमें भरना है। चलो देखते हैं। पहला, मामा जी का खाली जगह, रूप देखकर हम सभी सहम गए। यानी यहाँ पर क्या आएगा, कैसा रूप देखकर बच्चे सहम गए थे? जिज्ञासा नहीं आएगा, रौद्र नहीं, पेट, खलनायक, कौन सा आएगा इसमें? इसमें आएगा जिज्ञासा भी नहीं हो सकता, रौद्र रूप यानी क्रोध से भरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर
दो सही है, पहले में रौद्र रूप देखकर हम सब सहम गए, यानी रौद्र का अर्थ होता है क्रोध भरा। मामा जी को क्रोधित देखकर बच्चे सभी क्या हो गए, सहम गए। दूसरा प्रश्न, पैदल चलने से पैर और यहाँ पर क्या आएगा, दोनों मजबूत हो गए देखते हैं, जिज्ञासा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पेट, यानी पैदल चलने से पैर और पेट, पेट दोनों ही मजबूत होते हैं। अगला है, मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर वन जिज्ञासा, क्या आएगा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला, कुछ जानना चाहते थे। अगला है, यह जवाब सुनकर मामा जी हमें किसी, क्या रहा पीछे, खलनायक, खलनायक का अर्थ होता है बूढ़ा व्यक्ति, खलनायक से कम नजर नहीं आ रहे थे। क्या हो गया, पहले में आ गया रौद्र, दूसरे में आ गया पेट, तीसरे में आ गया जिज्ञासा और चौथे में आ गया खलनायक। ये हो गया अपना रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूरा। आगे वाला प्रश्न है चौथा, पर्यायवाची शब्द। पहले पर्यायवाची शब्द हम कहते किसे हैं, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, यानी उसी शब्द को और अपन किन किन नामों से जान सकते हैं, उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे कुछ पर्यायवाची दे रखे हैं, पहला है ज्ञान, ज्ञान का पर्यायवाची होगा बोध और विद्या। अगला है आसमान, आसमान का पर्यायवाची है आकाश, गगन, और आप किन किन नामों से पुकारते हो आसमान को, वो सारे इसके क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची। अगला शब्द है छवि, छवि के पर्यायवाची हैं शोभा और प्रभा। अगला शब्द है जमीन, जमीन के पर्यायवाची हैं भूमि और धरती। अगला शब्द है हेमंत, हेमंत के पर्यायवाची हैं सर्दी या जाड़ा। अगला शब्द साल, साल के पर्यायवाची हैं वर्ष या बरस। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए, यानी यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए वो आपको पढ़ने हैं और जो सही है उसके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है और जो गलत है उस पर गलत। देखते हैं पहला प्रश्न, बच्चों ने मेले में खूब मजे किए, क्या बच्चों ने मेले में मजे किए थे, नहीं किए थे ना, क्यों भाई, क्योंकि मामा कंजूस थे, मामा जी ने ना तो बच्चों को मेले में मजे करने दिए ही नहीं, तो इसमें क्या आएगा, बच्चों ने मेले में मजे नहीं किए थे, इसमें आएगा गलत, उन्होंने मजे नहीं किए थे, यहाँ पे ये गलत है। दूसरा है सविता ने मिनी रेल में घूमने की जिद की, हाँ इसमें ये सही है, सविता ने मिनी रेल में ही घूमने की जिद की थी। अगला है बच्चे मामा जी के साथ मेला देखने गए, क्या बच्चे मामा जी के साथ मेला देखने गए थे, सही है ना, तो इसके अंदर भी आएगा सही। अगला है गांव में मेला लगा था, क्या मेला गांव में लगा था, सही है, क्योंकि मेला कहाँ लगा था, गांव में ही लगा था। ये हो गया अपने सही विकल्प वाले प्रश्न। अब है इसी पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर, पहला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है मामा जी ने मेले में ना जाने का क्या बहाना बनाया, जैसे ही बच्चों के पास मामा जी आते हैं और बच्चे कहते हैं मामा जी हमें मेले में ले चलो, तो मामा जी क्या बहाना बनाते हैं, उत्तर है मामा जी ने मेले में न जाने का यह बहाना बनाया कि मैं बहुत थक गया हूँ। अगला प्रश्न है मामा जी ने बाहर खाना खाने के क्या नुकसान बताए, यानी बाहर का खाना खाने के मामा जी ने क्या नुकसान बताए, उत्तर है इसका मामा जी ने कहा बाहर खाना खाने से हमें हैजा, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां हो जाती
है। लेते हैं अगला प्रश्न है, खाना खाने के बाद बच्चे कहाँ जाना चाहते थे? इसका उत्तर है, खाना खाने के बाद बच्चे सर्कस देखने व झूला झूलने जाना चाहते थे। अगला प्रश्न, बच्चे खिलौने क्यों नहीं खरीद सके? इसका उत्तर होगा, बच्चों के मामा जी बहुत कंजूस थे, इस कारण बच्चे खिलौने नहीं खरीद सके। ये हो गए कक्षा चार के पाठ दो, मामा जी ने दिखाया मेला पाठ पूरा। धन्यवाद।